However, the deductee should file a declaration with the deductor, and deductor should report the tax deduction in the name of the other person in TDS return. अगर ये reporting नहीं हुई, TDS return में जो deductor है उसने mention नहीं किया कि ये TDS का credit किसी और person को देना है, तब उसको credit नहीं मिलेगा. Because for the income tax department, the only way they can know कि किसको credit देना है, that is only through the TDS return. Let's look at an example. ICO has paid technical fees to FCO amounting rupees 90,000 after deducting TDS of 10,000 on such payment. FCO files a declaration with ICO that such income is taxable in the hands of FCO 1, another foreign company. Whether FCO 1 will get the credit of TDS. FCO 1 ko credit mil jayega provided jab ICO apni TDS return file karti hai, usme ye mention kare ki jo ye payment hai uska beneficiary FCO 1 है और TDS उसके नाम पर काटे. FCO 1 will get the credit of TDS when ICO files TDS return with PAN of FCO 1. Higher rate of TDS on non-furnishing of PAN to deductor. Section 206AA1. बहुत केसेस में क्या होता था कि non-residents को ट्रेस करना जो कि इंडिया से इनकम अर्न कर रहे हैं डिफिकल्ट था. और इसका कारण क्या था, ये लोग इंडिया में पैन नंबर नहीं लेते थे. तो गवर्नमेंट के पास ये वेरीफाई करने का कि कोई लेजिटिमेट पेमेंट है या नहीं, ये टैक्स कैसे डिडक्ट हुआ है, क्या हुआ है, वो कोई रूट नहीं था. तो इन नॉन रेजिडेंट्स को एनकरेज करने के लिए कि ये पैन ले इंडिया में, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, दे ब्रॉट अ प्रोविजन विच प्रोवाइडेड दैट इफ द नॉन रेजिडेंट डज नॉट फर्निश अ पैन देन द टैक्स विल बी डिडक्टेड एट अ हायर रेट. लेटर ऑन इस प्रोविजन के वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई एंड देन रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ रिलैक्स दिस प्रोविजन टू सम एक्सटेंट वेयर दे हैव सेड कि अगर आपका पैन नहीं है कोई बात नहीं, बट अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो मैं भी आपके साथ डिस्कस करूँगा, देन द टैक्स विल नॉट बी डिडक्टेड एट अ हायर रेट. इट विल स्टिल कंटिन्यू टू बी डिडक्टेड एट द original rate provided all these details and requirements are satisfied. Section 206AA1 provides that any person entitled to receive any income, we can remove this T, that is deductee, on which tax is deductible shall mandatorily, means uske liye compulsory hai, furnishes PAN to the deductor. Agar aap koi income receive kar rahe ho India se, jo aapko income pay kar raha hai उसको आपको अपना पैन कंपल्सरली देना पड़ेगा. फेलिंग विच द डिडक्टर शैल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स एट हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट. अगर पैन नहीं दिया, इफ यू फेल टू प्रोवाइड योर पैन नंबर, सो सपोज एक्स इज मेकिंग अ पेमेंट टू वाई, वाई हैज टू प्रोवाइड हिज पैन टू एक्स. इफ वाई डज नॉट प्रोवाइड देन द टैक्स विल बी डिडक्टेड एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट. The rate prescribed under the IT Act, the rate mentioned in the Finance Act or DTAA, that is rates in force, or at the rate of 20%. मतलब एक तरह से मिनिमम रेट मेरा 20% हो ही गया. क्यों? क्योंकि मुझे टैक्स पे करना है एट द हायर ऑफ द फॉलोइंग रेट. मान लीजिए एक्ट में 10% है, DTA में 15% है, थर्ड वाला 20% है, तो इन दोनों का कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा क्योंकि हमें हायर पे करना है तो हमारा 20% एप्लीकेबल हो जाएगा. अब फॉर सम रीजन एक्ट में मान लीजिए 40% है, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, तो मैं ट्रीटी के लिए ऑप्ट करूँगा, एक्ट में हायर है. बट ट्रीटी के रेट का भी कोई फायदा नहीं होगा, तभी भी मे बी 40 नहीं लगेगा लेकिन 20 तो लग ही जाएगा, राइट? अब कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि हो सकता है वेयर द पैन प्रोवाइडेड टू द डिडक्टर इज इनवैलिड और डज नॉट बिलोंग टू द डिडक्टी. वाई ने क्या किया, उसने कहा पैन तो है नहीं, एक काम करता हूँ, किसी का भी पैन नंबर इधर उधर से ढूंढ के एक्स को दे देते हैं. किसी और का पैन दिया मतलब इट डज नॉट बिलोंग टू वाई और इनवैलिड, वो वैलिड नहीं था. इट शैल बी डीम्ड दैट द डिडक्टी हैज नॉट फर्निश्ड हिज पैन टू द डिडक्टर. ये मान लिया जाएगा एक तरह से कि डिडक्टी ने अपना पैन फर्निश नहीं किया है
and TDS will be deducted at the aforesaid rates. ये provisions apply कर जाएंगे और TDS इसके हिसाब से कटेगा. The deductee shall furnish his PAN to the deductor and both shall indicate the same in all correspondence, bills, vouchers and other documents which are sent to each other. Let's look at an example to clarify this point further. ICO has made a payment of royalty of rupees 5 lakh to FCO. इस इंडियन कंपनी ने रॉयल्टी पे करी एफको को. एफको डज नॉट फर्निश इट्स पैन टू आईको. एज पर द रेट द विदहोल्ड एक्ट द रेट ऑफ विदहोल्डिंग इज 10% ऑन सच पेमेंट. एट वॉट रेट शुड द TDS बी डिडक्टेड. हमें यह नहीं पता ट्रीटी का रेट कितना है, बट हमें यह पता है कि अगर पैन नहीं दिया तो रेट विल बी वॉट हायर ऑफ द रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द IT एक्ट विच इज 10%. The rate mentioned in the Finance Act or DTAA, इसके बारे में हमें कोई डिटेल नहीं दी है, और at the rate of 20%. So, which is the higher of these three? अगर मान लीजिए हम Finance Act का rate भी 10% ही ले लेते हैं, let's say 20%, so TDS will be deducted on such payment at 20%. 5 lakh के ऊपर आपने 20% लगाया तो कितना TDS होगा? 1 lakh. Another example, ICO has made payment of interest of 5 lakh to a Mauritius bank. एक इंडियन कंपनी ने 5 लाख रुपए मॉरिशस बैंक को पे किए as interest. Such bank does not furnish its PAN to the ICO. The rate of withholding will be 20% as per the IT Act and the rate of withholding will be 7.5% under India-Mauritius Treaty. At what rate should the tax be deducted? Again, let's see. तीनों को हम इसमें पुट करेंगे बिकॉज पैन नंबर हमारे पास नहीं है. द रेट प्रिस्क्राइब्ड इन द IT एक्ट 20%. द रेट मेंशन्ड इन द फाइनेंस एक्ट और DTAA विच एवर इज लोअर विच इज 7.5% और 20%. अब इन तीनों में अगर हम देखें अगेन द रेट प्रिस्क्राइब्ड एट 20% इज द हाइएस्ट वन. सो 20% विल अप्लाई एज द मॉरिशस बैंक हैज फेल्ड टू पनिश इट्स पैन टू द ICO. Thus, TDS of 1 lakh would be deducted on such interest payment. Non-furnishing of PAN in Form 15G, 15H declaration. 15G, 15H declaration ये होती है कि एक person कहता है कि मैं declare कर रहा हूँ कि मेरी income taxable limit से कम है, इसलिए इसके ऊपर TDS मत काटिए. या फिर काटना है तो उसके हिसाब से अलग-अलग criteria में ये cover हो जाता है. No declaration in Form 15G or 15H under section 197A shall be valid unless the person furnishes his PAN in such declaration. अगर आप कह रहे हैं कि आपकी taxable limit से कम है और आप इसकी declarations देते हैं या आप कहते हैं कि tax should be at a lower rate, then you have to put your PAN in that declaration. When such declaration becomes invalid due to non-furnishing of PAN, the deductor shall deduct tax at source as per the highest rate given in section 206AA. Non-furnishing of PAN and certificate for lower deduction or nil deduction of TDS. जो आप certificate लेते हैं lower deduction का या nil deduction का under section 197, no certificate for lower deduction or nil deduction of TDS under section 197 will be granted by the AO unless the application contains the PAN of the applicant. मतलब अगर आप AO के पास जाते हैं सेक्शन 197 में सर्टिफिकेट लेने के लिए तो मैंडेटरी है कि उस एप्लीकेशन में आपका पैन नंबर होना चाहिए. अगर नहीं होगा तो आपको ये लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 206AA ऑन इंटरेस्ट पेमेंट. इज इट फॉर ऑल इंटरेस्ट पेमेंट? नो, इट इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इंटरेस्ट पेमेंट्स. हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की थी, बट लेट अस अगेन वंस discuss this. The provision of 206AA shall not apply in respect of payment of interest to non-resident, non-resident con, non-corporate, non-resident or foreign company on long-term bonds as are referred to in section 194LC. Sirf wo long-term bond jo 194LC mein referred hai, jinke baare mein hum do baar pehle mein discussion kar chuke hain, agar jisko ye रिसीव होने, सपोज ही इज इन्वेस्टेड इन दीज बॉन्ड्स,
राइट, और इस बॉन्ड के ऊपर इसको इंटरेस्ट पे होता है। अगर इस पर्सन ने पैन नहीं भी दिया तो भी जो रेट है हायर टैक्स का वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। Why? Because interest on such long-term bonds are liable to withholding tax at 5% when such bonds satisfy the condition given in section 194 LC. Right? ICO pays interest of rupees 2 lakh to FCO on long-term bonds. The rate of TDS on such payment is 5% under section 194 LC. FCO does not provide its PAN to ICO. What would be the rate of TDS? जैसा हमने डिस्कस किया, अगर सेक्शन 194 LC वाले बॉन्ड्स हैं, उसमें अगर आप पैन नहीं भी देते हो तो भी TDS का रेट जो है वो 5% का ही होगा। अकॉर्डिंगली TDS जो है इस पे 5% पे ही कटेगा। नाउ देर इज अ न्यू रूल 37BC विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड लेटली बाय द गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपसे इस सेक्शन के शुरू होने से पहले कहा था, काफ़ी केसेस में क्या हुआ, जब पैन की रिक्वायरमेंट आई तो बहुत सारे केसेस में जेन्युइन प्रॉब्लम होने लगी। किसी को 50,000 रुपये की पेमेंट है, 2 लाख की, 4 लाख की, 5 लाख की पेमेंट है, 10 लाख की पेमेंट है, छोटा अमाउंट है, एक ही बार मिलना है इंडिया से, बार बार नहीं। उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया कि आप ज़बरदस्ती पैन हम लोग को बोल रहे हैं, जबकि हम जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं। जब हमने टैक्स अपना कटवा ही दिया है आपका जो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से है, व्हाई आर यू आस्किंग अस टू गेट अस अ पैन। उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि सेक्शन 206AA विल नॉट बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट, लेकिन इन पेमेंट्स में भी तब एप्लीकेबल नहीं होगा व्हेन द नॉन रेजिडेंट पेई सबमिट्स प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। अगर ये डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड नहीं करते हो देन इन दैट केस ये एप्लीकेबल नहीं है। आप अगर लेकिन ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देते हो देन द गवर्नमेंट विल एग्जेम्प्ट यू फ्रॉम द एप्लीकेबिलिटी ऑफ हायर रेट अंडर सेक्शन 206AA। बट वो कौन सी पेमेंट है जिसके लिए एप्लीकेबल है? इंटरेस्ट के लिए, रॉयल्टी के लिए, FTS के लिए, या पेमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट। इंटरेस्ट में 194 LC वाले बॉन्ड कवर नहीं है, क्यों? उसमें स्पेसिफिक एग्जेप्शन ऑलरेडी है। अब इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट क्या देने पड़ेंगे एक नॉन रेजिडेंट को ताकि उसका जो ये टैक्स है वो कम कटे? नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस इन द कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया ऑफ विच द डिडक्टर इज अ रेजिडेंट। मतलब आप कौन हैं, किस कंट्री से हैं, वहाँ के टैक्स रेजिडेंट हैं या नहीं, उसके लिए सर्टिफिकेट, अ सर्टिफिकेट ऑफ हिज बीइंग अ रेजिडेंट इन एनी कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी आउटसाइड इंडिया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी इफ द लॉ ऑफ दैट कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी प्रोवाइड फॉर इशुएंस ऑफ सच सर्टिफिकेट। मतलब मान लीजिए अगर आप US में रह रहे हैं, द US गवर्नमेंट इशूज दिस सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स रेजिडेंसी, देन इन दैट केस अगर वहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इस सर्टिफिकेट को इशू करना, आपके लिए मैंडेटरी है वो सर्टिफिकेट लेना अगर आपको ये बेनिफिट चाहिए। टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द डिडक्टर इन द कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी ऑफ हिज रेजिडेंस। ये टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा? जैसे हमारे यहाँ पर पैन है, इन केस नो सच नंबर इज अवेलेबल देन अ यूनिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ विच द डिडक्टर इज आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री और द स्पेसिफाइड टेरिटरी ऑफ विच ही क्लेम्स टू बी अ रेजिडेंट। हर गवर्नमेंट एक टैक्स पेयर को या एक असेसी को रिकग्नाइज करती है, जैसे कंपनीज के केस में आपका CIN नंबर होता है। सो अगर आपके पास टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है देन यू नीड टू प्रोवाइड सम ऑफ दोज डिटेल्स फॉर क्लेमिंग दिस एग्जेम्पशन। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ICO हैज मेड अ पेमेंट ऑफ 2 लाख टू FCO फॉर FTS, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। FCO डज नॉट हैव अ पैन इन इंडिया। FCO प्रोवाइड्स टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ USA, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट ऑफ USA एंड इट्स बेसिक डिटेल। At what rate TDS would be deducted when the rate of TDS is 10% under the IT Act, right? इस केस में बिकॉज उसने अपना TRC प्रोवाइड कर दिया है, बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए हैं, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया है, दे विल बी एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ दिस रूल एंड देयर फॉर द TDS विल बी ओनली 10% एंड नॉट द हायर रेट ऑफ 20%। 10% पर TDS 2 लाख रुपये पर कितना बैठेगा आपका?
20,000.